हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने डोमिनार क्यों ख़रीदी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई आपने अपाचे RR 310 क्यों नहीं ली, KTM ड्यूक 390 क्यों नहीं ली। तो मैं आज इसका जवाब दूंगा, ठीक है। और ये वीडियो से शायद आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए कि जैसे कि आप अगर डोमिनार ले रहे हैं या कोई 400 cc की बाइक ले रहे हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सी बाइक आपके लिए सही होगी, तो शायद ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो जाए। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो गाइस, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि मेरे ऑप्शन में थे KTM ड्यूक 390, ठीक है, और थंडरबर्ड 350, डोमिनार 400 ABS और अपाचे RR 310। लेकिन इन सबको मैं साइड करके डोमिनार ही क्यों खरीद। और आप लोगों को पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी जो मैं कवर करने वाला हूँ ये केवल मेरा ओपिनियन है। और अगर आप ड्यूक 390 या कोई और बाइक लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, वो भी बाइक अच्छी है, ठीक है। यहाँ पर मैं केवल यही आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने ये सारी बाइक को साइड करके डोमिनार ही क्यों सेलेक्ट करी। तो गाइज, यहाँ पे जो सबसे पहला रीज़न है वो है इसकी पावर और इसकी लॉन्ग राइड पे कंफर्ट। वैसे अगर पावर की बात करें तो KTM 390 और अपाचे RR 310 की पावर इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन थंडरबर्ड की थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर यहीं पे कंफर्ट की बात करें ना, तो KTM 390 यानी कि ड्यूक 390 और अपाचे RR 390 लॉन्ग राइड के लिए उतनी कंफर्ट नहीं होगी, ये थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो पावर तो इतना मैं सही, मतलब मेरे लिए सही था, मतलब बहुत पावरफुल मुझे नहीं चाहिए, 35 BHP मेरे लिए बहुत था। अब आती थी कंफर्ट की बात, तो कंफर्ट में यही सबसे कंफर्टेबल थी। तो ये हुआ पहला रीज़न। और यहाँ पे जो सेकंड रीज़न थे इसको ख़रीदने के, वो था वैल्यू फॉर मनी। अगर आप देखें कि 2 लाख के अंदर एक सबसे अच्छी बाइक, एक सबसे पावरफुल, एक सबसे वैल्यू फॉर मनी, तो आपको डोमिनार ABS ही नज़र आएगी। क्योंकि आपको पहले बता दूँ, 2 लाख के अंदर कोई भी आपको 400 cc की बाइक नहीं मिलने वाली है। एक पावरफुल बाइक, 35 BHP की पावर आपको किसी भी बाइक में नहीं मिलेगी। और ABS की भी बात करें तो आपको 2 लाख के अंदर इतनी पावरफुल बाइक में आपको ABS नहीं मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा सा कंफर्टेबल भी है लॉन्ग राइड के लिए, मतलब एक देखें तो कंप्लीट पैकेज है 2 लाख के अंदर। तो मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़ी बहुत पावर में आप कंप्रोमाइज़ करें, है ना, और पैसे को ध्यान दें, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वैसे अगर मैं और पैसे लगाता 260,000 के आसपास, तो KTM 390 है अच्छी, लेकिन अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें 2 लाख के अंदर, तो ये बेस्ट ऑप्शन था, है ना। और मैंने पैसों को भी ज़्यादा ध्यान दिया। और इसका थर्ड रीज़न है इस बाइक को ख़रीदने का, इसका माइलेज। वैसे अगर माइलेज की बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको ड्यूक 390 में भी लगभग सेम ही माइलेज मिलता है, वही 25 के आसपास, और अपाचे RR 310 में भी लगभग सेम ही माइलेज मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मुझे माइलेज मिलता है, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे और मेरे आसपास जिनके पास डोमिनार है, तो वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि उनको 28 या लगभग 30 तक का भी माइलेज मिलता है। तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें उम्मीद थी कि आपको 28 के आसपास का माइलेज मिल सकता है, है ना, जो कि मुझे नहीं लगता कि 390 ड्यूक 390 में मिलेगा, क्योंकि आसपास मेरे ड्यूक 390 भी थी। तो उनको तो वो बोल रहे हैं कि मुझे 25, 22, 23 यही उनका माइलेज था, लेकिन डोमिनार में 28 तक का माइलेज मैंने देखा है। और अभी जो मुझे, मैंने अभी इसमें 400 किलोमीटर राइड कर लिया है, तो इसमें भी मुझे अभी 27 से 28 का ही माइलेज मिला। तो माइलेज भी काफ़ी अच्छा है, मतलब आपका 400 cc में आपको 25+ माइलेज मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। तो ये तो हुआ इसका थर्ड रीज़न, इसका माइलेज। और फोर्थ रीज़न है इसको ख़रीदने का, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट। जैसे कि आपको पता होना चाहिए ये बजाज की बाइक है, है ना, और बजाज का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है अदर ब्रांड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम ही होता है, है ना। यहीं पर अगर KTM ड्यूक 390 की बात करें, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट इससे बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको इसमें तकरीबन कह सकते हैं आधा मेंटेनेंस कॉस्ट है। आधा नहीं भी होगा तो फिर भी 60 से 70% होगा ड्यूक 390 का। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाइक तो आप ले लेंगे पैसे लगा के, ठीक है, 2 लाख 60 की भी बाइक ले लेंगे, 3 लाख की भी ले लेंगे, फिर दिक्कत आती है मेंटेनेंस में। क्योंकि अगर आप बाइक को अच्छे से राइड करना चाहते हैं, एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि मेंटेनेंस कॉस्ट जिस बाइक की कम हो, है ना, परफॉर्मेंस सही हो, आप उसी बाइक की ओर जाएं, है ना। और अगर आप अपाचे 310 की बात करें, तो उसका भी मेंटेनेंस कॉस्ट जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा होगा ही, क्योंकि वो भी थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट की है और उसमें बहुत सारे थोड़ा सा इंपोर्टेड पार्ट्स यूज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से उसका भी मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये भी इसका रीज़न बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है। और हाँ, एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया कि मैंने थंडरबर्ड को इसलिए साइड कर दिया क्योंकि मेरे पास रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 ऑलरेडी थी। तो फिर मैंने सोचा कि जब एक मेरे पास रॉयल इनफील्ड की बाइक है, तो फिर मैं क्यों ना एक पावरफुल बाइक लूँ, क्योंकि रॉयल इनफील्ड में उतनी पावर आपको मिलती नहीं है। जब आप हाईवे पर क्रूज़ करते हैं तो आपको उतना पावर मिल नहीं पाता, तो इसलिए मैंने उसको पहले ही साइड कर दिया था, ठीक है। और इस बाइक को ख़रीदने का जो मेरा फिफ्थ रीज़न था, वो था कि ये इंडियन ब्रांड है, ठीक है। तो गाइज, ये वैसे बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, अगर आप ड्यूक भी लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप देशभक्त नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट इंडियन है और आपको अच्छी परफॉर्मेंस देता है,
और अगर आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आपको इंडियन प्रोडक्ट की ओर ही जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर अगर आपको लगता है कि आपको काम नहीं हो रहा है या आपको मज़ा नहीं आ रहा है उस प्रोडक्ट में जो इंडियन है ना, तो फिर आप इम्पोर्टेड की ओर जाएँ, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन यही चीज़ मुझे लगी कि अगर ये इंडियन ब्रांड है, ठीक है, और पावर भी अच्छी दे रही है, अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो मैं थोड़ी बहुत पावर में ज़रूर कम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, है ना, इंडियन ब्रांड के लिए, तो इसलिए मैंने इसको ख़रीदा। बाकी आप कोई सी ब्रांड ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह आप हायर सीसी में जाएंगे तो आपको इंडियन ब्रांड ऑफ़र नहीं करती हैं, तो फिर आपको इंपोर्टेड की ओर जाना ही पड़ेगा। तो गाइज़ ये थे इसके 4-5 रीज़न, और गाइज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि इनमें से कौन से रीज़न मतलब आपके लिए सही हुए, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताओ क्या ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है न्यू बाइक परचेस करने के लिए। और गाइज़ अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को नहीं फॉलो किए हैं तो आप ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि मैं अभी बहुत सारी राइड के वीडियोज़ राइड के व्लॉग्स लेके आऊँगा, है ना, और YouTube से रिलेटेड वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।